मथुरा में गत 15 वर्षों से महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित संस्था खजानी इंस्टीट्यूट ने बीएसए रोड पर किया हुनर मंच। युवतियों ने फैशन शो कर किया कैटवॉक। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी खजानी इंस्टीट्यूट के द्वारा अपना 15वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां महिला और युवतियों के द्वारा हुनर मंच पर फैशन शो का आयोजन किया गया। सिप्रा राठी सचिव ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव को समर्पित करते हुए अभिव्यक्त के नाम यह फैशन शो आयोजित किया गया है, जिसमें अलग अलग उत्सव जैसे जन्माष्टमी, हरियाली, तीज, गोवा ईद, डांडिया, दीपावली, कार्निवल, दुर्गा पूजा की झलकियां देखने को मिली। डायरेक्टर ने पार्टी के फैशन शो के लिए गत 2 महीने से छात्राओं को बेहद मेहनत की। आजादी के 75 वर्ष का उत्सव महोत्सव का अपने विषय में चुना गया। इसके बाद महिलाओं ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए, जहाँ युवतियों ने कैटवॉक कर स्टेज पर अपने जलवे बिखेरे, साथ ही अनेक प्रकार की झांकियां प्रस्तुत की गईं। कार्यक्रम में 4 चांद लगाए गए, जब परिधानों के साथ साथ प्रतिभागियों ने अपने स्वयं हाथों से आभूषण का भी निर्माण किया, जो उन्होंने परिधानों के साथ अपने जो परिधानों को पूर्णता प्रदान कर रहे थे, वे सभी छात्राएं जिन्होंने आज यहां आकर भाग लिया, प्रथम बार अपनी अनूठी प्रस्तुति अर्जित की। निर्णायक मंडल की सदस्य नीतू धमीजा और ऋतु अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं को यूं पल पल आगे बढ़ते देखना बेहद उत्साहवर्धक होता है। सरकार भी बहुत सारी योजनाएं समय समय पर महिलाओं के लिए ला रही है, जिन पर भरपूर लाभ लेकर महिलाएं अपने सपनों को सच कर सकती हैं। मेरा नाम शिप्रा राठी है, मैं डायरेक्टर हूँ खजानी इंस्टीट्यूट की, और खजानी इंस्टीट्यूट ने आजादी के अमृत महोत्सव को आज यहाँ पे मनाया है। हर साल हम लोग अपनी छात्राओं को मंच देने के लिए वार्षिक उत्सव का आयोजन करते हैं। इस साल की जो हमने थीम ली, क्योंकि समस्त दुनिया जो हमारे 75वां आजादी के कम्प्लीट होने पर जो खुशियाँ मना रही है, उसी में हमने भी अपनी सहभागिता दी है, और आजादी के अमृत महोत्सव को डेडिकेट करते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें 10 अलग अलग थीम में जो उत्सव भारत में होते हैं उनका वर्णन किया गया, क्योंकि भारत उत्सवों का देश है और हर दिन यहाँ कोई ना कोई उत्सव होता है, तो इन सभी उत्सवों का यहाँ पे हमने वर्णन किया है। सबसे अच्छी बात ये सारी ड्रेसेस हमारी ही छात्राओं ने अपने ही हाथों से तैयार की हैं। जो ज्वेलरीज उन्होंने पहनी है वो भी उन्होंने अपने ही हाथों से बनाई है, और खुद कैटवॉक भी छात्राएं कर रहे हैं। हमने किसी भी प्रोफेशनल मॉडल को नहीं बुलाया है, छात्राएं खुद बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं छात्राओं की कहूंगी, ये पहली बार मंच पे हैं, पर आपको देख के इनके आत्मविश्वास को लगा नहीं होगा, और इसका सारा श्रेय जाता है मेरे टीचिंग स्टाफ को, जिन्होंने 2 महीने दिन रात मेहनत करके एक पिलर की तरह खड़े होकर इनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग की है। आज हमने 10 अलग अलग फेस्टिवल्स को दिखाया था, और उसमें हमने कोशिश की थी कि पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण के जितने प्रमुख त्योहार होते हैं उन्हें हम एक साथ इस मंच पे पिरो के ला पाए। जैसे हमने तीज मनाया राजस्थान का, कार्निवल मनाया, न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिखाए गोवा के, साथ में हमने वेस्ट बंगाल को भी कवर किया, हमने यूपी का अपना जन्माष्टमी को कवर किया, ईद भी हमने यहाँ पे ली। तो हर कोशिश की कि अलग अलग बहुत सारे फेस्टिवल से 11 जजेस आज हमारे साथ है, जिन्होंने निर्णायक मंडल की भूमिका अदा की। हमने अपनी 15वीं वर्षगांठ आज यहाँ पे मनाई है। मैं बिल्कुल महिलाओं से कहना चाहूंगी कि अगर आपसे कोई भी हुनर है, कोई भी सपना है, तो आपके हर सपने में खजानी परिवार आपके साथ खड़ा हुआ है। आप बाहर आइए, हमारा हाथ थामिए और अपने हुनर को एक पहचान दीजिए। I'm not sure what I'm doing.